So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to look at a problem of GFG. It is lead code. Okay, we are going to look at a problem of lead code, that is merge to sorted list. Okay, in this particular question, before going solving this particular question, I think you all should just thoroughly go through the problem statement. It states that we have given the heads of two linked list, two sorted linked list, and we have to merge both of them. Okay, like let us take an example test case, that is 1, 2, 4 is a one linked list, and another linked list which is given to us in sorted order is 1, 3, 4. Now if we merge both of them, we will get 1, 1, 2, 3, 4, 4. Okay, let us look at it with an approach. We have given 1, 2, 4, okay, and 1, 3 and 4. Okay, basic approach kya hogi? The basic approach will be, initially we are going to compare the first nodes, initial nodes. To 1, 1 dono barabar hain, hum kahenge if both of them are barabar, we are going to take any one of them, and next hum kya karenge, us ek node banayenge, usme hum 1 ko store karenge, next wale mein bhi hum agle 1 ko store karke दोनों को इटरेट करा देंगे, मतलब हेड वन को यहाँ पहुँचा देंगे 2 पे, एंड हेड 2 को भी 3 पे पहुँचा देंगे, और अपनी जो नई लिंक लिस्ट हमने बनाई होगी आंसर नाम से, उसको हम 1 और 1 कर देंगे, सिंपल, और फिर उसको भी आगे बढ़ा देंगे. अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे 2 और 3 में कौन छोटा है, वी विल गेट 2 इज छोटा, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में 2 को स्टोर कर लेंगे, और अपने जिस में से हमने उठाया जो छोटा था उसको हम आगे बढ़ा देंगे. मींस हमारा हेड 1 4 पे है और हेड 2 3 पे है. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर हेड 1 एंड हेड 2. हेड 2 इज एट 3 विच इज स्मॉलर देन 4, सो वी आर गोइंग टू टेक 3 इन आर आंसर लिंक लिस्ट, तो हम यहाँ पे 3 स्टोर करेंगे और हम अपने हेड 2 को बढ़ा देंगे. नाउ हेड 2 इज एट 4 एंड हेड 1 इज ऑल्सो एट 4, सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू से दैट वी आर गोइंग टू टेक any one of them, let us take L1. Okay, if I take L1, now our L1 becomes null, head 1 becomes null. Okay, क्योंकि हम उसे next move करा देंगे, तो जिस भी while loop के अंदर हम ये iteration कर रहे होंगे वो fail करेगा, क्योंकि हमने condition इस तरीके से रखी है कि कोई भी अगर हमारा head 1 या head 2 empty हो तो तुरंत fail कर जाओ. अब कहेंगे तो फिर बाकी कैसे करेंगे, बाकी simple है, बाकी हम जिस तरीके से हम merge करते समय करते हैं ना दो एरेस को मर्ज शॉट के अंदर, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं. हम कहेंगे कि अगर बचा हुआ L2 है तो L2 को पूरा इटरेट करो, उसमें केवल 4 बचा था उसको सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि सारे सॉर्टेड ऑर्डर में थे, अब तो ये सॉर्टेड ही होगा. ठीक है, काफ़ी थोरोली मैंने ये समझाया, बट आई मेक इट क्लियर वाइल राइटिंग माई कोड. ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है, इनिशियली व्हाट आई एम गोइंग टू चेक कि भाई साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि मुझे कैसे पता है, एक एज केस यहाँ पे बन सकता है कि एनी वन ऑफ द हेड गिवन टू अस विल बी एम्प्टी, विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, तो ये केस हो सकता है कि ईदर हेड वन और सॉरी ईदर लिस्ट 1 विल बी पॉइंटिंग टू नल और लिस्ट 2 विल बी पॉइंटिंग टू नल. सो इन दैट पर्टिकुलर केस लेट अस से लिस्ट 1 इज पॉइंटिंग टू नल. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिटर्न लिस्ट 2 इन दिस केस. ठीक है, क्योंकि हेड 1 लिस्ट 1 अगर एम्प्टी हो चुका है तो हमें लिस्ट 2 को लुटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उल्टा हो जाए लिस्ट 2 इज इक्वल टू एम्प्टी. ठीक है, लिस्ट 2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम कहेंगे कि लिस्ट 1 को रिटर्न कर दीजिए, सिंपल. ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम इज एम्प्टी तो बोथ ऑफ देम का केस तो यही संभाल लेगा ना, क्योंकि उसमें लिस्ट 1 भी एम्प्टी होगा तो वो तुरंत लिस्ट 2 को रिटर्न करेगा जो खुद एम्प्टी था. ठीक है, ये हमारा काम हो गया. नाउ अब हम चाहते हैं एक नई नोड बनाए जिसमें हम इनको सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करें, तो मैं एक क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट नोड नाम का एक नोड बना लेता हूँ, सॉरी एक नोड बना लेता हूँ, दैट इज नाम देते हैं हम इसको आंसर. ठीक है, हम इसका नाम रख रहे हैं आंसर. ओके, अगर हमने इसका नाम आंसर रखा है तो इनिशियली ये कुछ स्टोर कर रहा होगा. मैं इसको इनिशियली स्टोर L1 भी करा सकता हूँ, लिस्ट 1 भी करा सकता हूँ और लिस्ट 2 भी, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना भैया. प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसे सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करना है, मैं चाहता हूँ सबसे छोटा एलिमेंट आंसर के इन फर्स्ट पोजिशन पर आए, वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे इफ एल्स लगा लो ना. देखो हम कहेंगे कि अगर लिस्ट 1 का जो वैल है वो हमारा छोटा बड़ा कर दो, चलो ठीक है जैसा करना चाहो, लिस्ट 2 के वेल से अगर ऐसा होता है,
ठीक है, लिस्ट वंस वैल्यू इज लिस्ट इज ग्रेटर देन लिस्ट टू वैल्यू, देन विच वन इज स्मॉलर, लिस्ट टू ऑफ कोर्स. सो वी आर गोइंग टू स्टोर, वी आर गोइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर इज, वी आर गोइंग टू स्टोर आंसर इक्वल्स टू लिस्ट टू, सिंपल. ठीक है, वी हैव स्टोर्ड द वैल्यू ऑफ लिस्ट टू इन आंसर एंड वी आर गोइंग टू मूव लिस्ट टू टू इट टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट. ठीक है, लिस्ट टू विल बिकम लिस्ट टू का नेक्स्ट, हमने उसे आगे बढ़ा दिया है, सिंपल. ठीक है, वही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं. मैंने क्या किया, मैं समझाता हूँ यहाँ पे. मैं ना थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ. 1, 5, 8 एंड 9, एक ए लिया मैंने लिस्ट और एक लिया मैंने 1. लेट अस टेक 1, 2 एंड 3. ठीक है, नॉट 1, इट विल बिकम कंफ्यूजिंग, अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. 2, 3 एंड 5, आई हैव टेकन 2, 3 एंड 5. नाउ इनिशियली आई वॉज कंपेयरिंग 1 एंड 2. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टोर्ड आंसर, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट इफ दैट आंसर शुड कंटेन द स्मॉलर ऑफ बोथ ऑफ देम. ठीक है, इनमें से छोटे वाले का, तो इनमें से छोटा वन है, आई नीड टू स्टोर 1. हाउ आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम चेकिंग इट इन माई इफ केस. बट इफ केस इस केस में काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा 1 बड़ा नहीं है, 1 छोटा है. तो हम एल्स केस में जाएंगे, हम कहेंगे एल्स क्या करना, आंसर में स्टोर कर देना लिस्ट 1 को. ठीक है, एंड लिस्ट 1 को आगे भी आइट्रेट कर देना. ठीक है, तो लिस्ट 1 विल मूव टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट. तो यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा, देखना मैं यहाँ पे एक आंसर के लिए भी बना रहा हूँ, तो आंसर विल स्टोर 1. ठीक है, और हमारा जो आइट्रेशन होगा वो इस पर मूव करेगा. तो मैं आइट्रेटर को आई से रिप्रेजेंट करता हूँ. इसका आइट्रेटर यहाँ है और 2 का आइट्रेटर यहाँ है अभी. ठीक है, करेंटली वी हैव स्टोर द मिनिमम ऑफ बोथ ऑफ देम ना, तो मिनिमम ऑफ देम तो 1 और 2 का छोटा 1, तो 1 हमने आंसर में स्टोर कर लिया और उसके आइट्रेटर को 5 पे पहुंचा दिया, सिंपल. नाउ अब हमारा क्या रोल है, अब हमारा रोल है, अब हम कहेंगे कि क्या करो, सिंपल, एक वाइल लूप रन करो. और ये कब तक करना, जब तक लिस्ट 1, ठीक है, मैं ज्यादा जूम कर करके शायद एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, जब तब तक काम करना जब तक हमारा या तो लिस्ट 1 क्या ना हो जाए, लिस्ट 1 एम्प्टी ना हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, एंड साथ में हमारा लिस्ट 2 इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक काम करना. हमने कहा ठीक है. अब जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे, हमें समझना ये है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, हम और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल. मतलब कंपैरिजन से क्या मतलब है भैया, कि अगर हमारे लिस्ट 1 का एलिमेंट छोटा है, सिंपली उसे आंसर में पुट करो और लिस्ट 1 को आगे बढ़ा दो. ठीक है, अगर हमारे लिस्ट 2 का एलिमेंट छोटा है तो उसे लिस्ट 2 में उसे आंसर में पुट करो और लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दो. ठीक है, हम ये करने वाले हैं. तो ये कैसे होगा, सिंपल. आई नीड टू चेक विदो, ठीक है, इफ माई एलिमेंट लिस्ट 1's वैल्यू इज ग्रेटर देन माई लिस्ट नोड 2 वैल्यू. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. ओके, इफ दिस इज द केस, मतलब अगर हमारा लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 से बड़ी है, तो मतलब लिस्ट 2 छोटा है हमारा, तो हमें क्या करना है, वी सिंपली नीड टू ऐड आंसर के नेक्स्ट में, क्योंकि आंसर का भी आइटरेटर है ना, उसका नेक्स्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, लिस्ट 2 को, सिंपल. ठीक है, और हम लिस्ट 2 को भी आगे बढ़ा देंगे, लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट. अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, लिस्ट 2 को तो आगे बढ़ा दिया, अब आंसर को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी आंसर का नेक्स्ट है. ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सिंपल केस चेक करा कि लिस्ट 1 का वैल्यू ग्रेटर देन लिस्ट 2 का वैल्यू है, उसने कहा हाँ तो 2 यहाँ पे पड़ा है. ठीक है, आपने कहा आंसर में ऐड कर दो 2, लेकिन आइट्रेटर अभी भी उसका कहाँ पे रखा हुआ है, 1 पे, तो आपको 1 से हटा के आइट्रेटर को 2 पे लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं. तो इस आइट्रेटर को आगे लाने के लिए, इस पॉइंटर को आगे लाने के लिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आंसर इक्वल्स टू आंसर का नेक्स्ट. ठीक है, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट. नाउ ये आपने किया, देन उसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से आइट्रेटर को हटा के क्या कर देंगे, आगे यहाँ आई पे ले आएंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा. ठीक है, इसके बाद हमें एल्स केस भी तो लिखना चाहिए. एल्स केस क्या होगा कि हमारा लिस्ट 1 छोटा हो गया और लिस्ट 2 बड़ा हो गया, तो उस केस में हम आंसर के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर रहे होंगे, उस केस में हम आंसर के नेक्स्ट में स्टोर करेंगे लिस्ट 1 को जो छोटा है. ठीक है, और हम इसे आगे भी बढ़ा देंगे, लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट, सिंपल. और हम आंसर को भी आगे बढ़ाएंगे, तो आंसर इक्वल्स टू आंसर का नेक्स्ट. बस ये हमारा वाइल लूप है. अब आप कहेंगे कैसी बातें करते हैं, मैं कहूँगा अभी समझाता हूँ, फिर हम देखेंगे. देखो यहाँ पे अब हम कंपेयर करने वाले 5 और 3 को. 5 और 3 को अगर हमने कंपेयर करा तो 3 छोटा आता है, तो हम कहेंगे आइटरेटर भैया हटो, 3 आ गया, आइटरेटर आ गया. फिर हो गएगा हटो भैया यहाँ से, और 5 पे आइटरेटर आ गया. फिर हो गएगा 5 और 5 पड़ा है, तो हम कहेंगे बड़े वाला केस तो भैया आपने लिखा ही नहीं. तब मैंने कहा एल संभालता है ब्रो, एल संभालेगा. यहाँ पे ध्यान से देखो,
लिस्ट में ये ग्रेटर देन वाला केस था कि लिस्ट वन इज ग्रेटर देन लिस्ट टू, लेकिन एल्स केस में तो इक्वल टू भी आ गया ना, तो इक्वल टू वाले केस में आपको कौन सा एलिमेंट उठाना है लिस्ट वन का, तो सिंपली लिस्ट वन का एलिमेंट उठाओ। हमने यहाँ से आइट्रेटर हटा के इसे आगे बढ़ाना है, और यहाँ पे आइट्रेटर हटा के 5 पे लगा देना है, और ये हमारा काम हो गया। अब 8 और 5 का कंपैरिजन होगा, 8 एंड 5 में स्मॉलर इज 5, तो यहाँ से 5 हटेगा एंड ब्रो यहाँ से 5 आएगा सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आइट्रेटर हटेगा, आई एम सॉरी बड़ा हटा, ठीक है, यहाँ पे आइट्रेटर आएगा एंड यहाँ पे आइट्रेटर आएगा, और 5 का आइट्रेटर अब क्या बन चुका है, नल, है ना, तो ये नल हो गया, हमारा वाइल लूप ब्रेक कर गया। तो अब 8 और 9 आइट्रेटर्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप का काम हो गया, ठीक है। मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करूंगा बाद में, पर अभी देखो, अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें दो तरीके, या तो पूरा वाइल लूप लगा के इस इसके सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दो, या फिर मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूँ। मैं क्या कहूंगा कि अगर हमारा लिस्ट वन क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, मतलब लिस्ट वन खाली नहीं है अभी, लिस्ट वन में कुछ बचा हुआ है, तो सिंपली क्या करो, आंसर को बराबर कर दो, सॉरी आंसर के नेक्स्ट को बराबर कर दो लिस्ट वन के, क्योंकि अब जो बचा है भैया वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा, और ऑफ कोर्स वो 5 लिस्ट 2 वाले जितने भी हमने आंसर में अभी तक स्टोर किए हैं उनसे तो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा और उनसे बड़ा ही होगा, तो इसलिए एज इट इज स्टोर कर दो, या फिर एल्स केस, या ऐसे लिख दो कि अगर लिस्ट 2 जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करो, आंसर के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, अपने लिस्ट 2 को, ठीक है, ये कर दिया, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा वाइल लूप में आओ, तो वही अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो जब ये नल हो गया तो 8 और 9 है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 8 पे फिर 9 पे और फिर नल, है ना, तो ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, 1 2 3 5 5 8 9, ये हमारा तरीका था, ठीक है, जो हमने किया इम्प्लीमेंट। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है इफ़ और एल्स दोनों केसेस में मुझे ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ रही है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं कहूँगा ये सीधे यहाँ लिख दो ना, जब आगे बढ़ा रहे तो यहाँ से बढ़ा दो। और एक और चीज़, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, आंसर तो हमारा नल को पॉइंट आउट करने लग गया, मैंने ये इरेज कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा आंसर नल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं रिटर्न क्या करूँ, तो रिटर्न क्या करें, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ना रिटर्न रिटर्न सॉरी एक रिजल्ट नाम का पॉइंटर बना लो, जिसमें आप स्टोर कर लो इसको आंसर को, क्योंकि आंसर इनिशियली स्टोर करेगा सबसे छोटी वैल्यू हेड की, यहाँ पे इस वाले फेल्स में तो हमने यही किया था ना, छोटी वैल्यू लाए थे हम, तो ये स्टोर करेगा, इसको रिटर्न करा देना, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। तो ये एक बार कोड रन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या गड़बड़ की है, एंड फिर हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही है, तो कर दिया हमने सही, तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डाउट क्लियर करना अपना, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।